इसमें जो है चारों पावर विंडो है इसमें, और यहाँ से मिरर लॉक कर सकते हैं। मिरर लॉक करने के बाद तीनों मिरर लॉक हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ऑटो मिरर रहता है ड्राइवर साइड वाला, तो ये कभी लॉक नहीं होता। हाँ, उसके बाद से ये दबाने के बाद मिरर फोल्ड हो जाते हैं, और फिर से ये ऊपर आने के बाद मिरर बाहर आ जाते हैं। और लेफ्ट साइड करके हम एडजस्ट किया तो वो लेफ्ट साइड वाला मिरर एडजस्ट होता है, और अगर राइट साइड को किया तो राइट साइड वाला एडजस्ट होता है मिरर। उसके बाद गाड़ी को दो एयर बैग है, एक इधर है और एक अंदर है उस साइड में, और गाड़ी को जो है सेंटर लॉक इनबिल्ड है, गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं आप। गाड़ी को फेदर टच वाला म्यूजिक सिस्टम है, कौन सा फेदर टच। ओके, हाँ, मतलब फुल स्क्रीन नहीं है, वहाँ पे टच करके सिर्फ जो बटन है वो टच कर सकते हैं। कॉल आया, जब ब्लूटूथ से हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं म्यूजिक सिस्टम को तो कॉल आने के बाद हम यहाँ से उठा भी सकते हैं, ये बटन है यहाँ से ऊपर ऐसा पुश करने का, और रख भी सकते हैं, और यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। आवाज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, अगर म्यूजिक चालू है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और म्यूजिक का आवाज़ अगर ज़्यादा है और अचानक पीछे जो बैठे हैं या साइड में जो बैठे हैं उनको कॉल आ जाए तो यहाँ से हम सीधा म्यूट भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है मिरर डे नाइट वाला मिरर है, अगर यहाँ से हम कोड करेंगे तो नाइट विजन, और मैनुअल है, और यहाँ से हम नाइट में म्यूजिक, और जो माइक है फोन आते हैं तो यहाँ पे दो माइक दिए हुए हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्यूटर? नहीं, माइक है बोलने के लिए। ओके, हाँ, जो बोलते हैं ना। और यहाँ पे जो है पैसेंजर साइड को मिरर भी दिया है। हाँ, और यहाँ पे अपना ओनर मैनुअल रहता है, और फर्स्ट एड किट इसमें रहती है, और म्यूजिक सिस्टम का रिमोट भी इसमें रहता है। और आधा लीटर के दो बॉटल इधर बैठ जाएंगे, कप होल्डर। और यहाँ पे यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं 12 वोल्टेज का, और यहाँ पे भी राउंड वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो है एसी का दिया हुआ है, अभी इंजन बंद है इसलिए सिर्फ ब्लोर आ रहा है, और यहाँ से हम अपने हिसाब से एयर पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अगर पैर को भी हवा चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। और ये फैन का स्पीड है 0 से 4 तक स्पीड रहेगा। ये जो है अंदर का हवा सिर्फ अंदर आता है एसी का, अगर बाहर का चाहिए तो हम ए पोजीशन को इधर से चेंज करके वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसका जो इंजन है 1200 सीसी है, 1.2 लीटर का इंजन है, और इसका जो माइलेज है 23 का माइलेज है पेट्रोल का, जो कंपनी क्लेम करती है। डिपेंड आपको जो ऑन रोड पे मिलेगा वो डिपेंड रोड के हिसाब से और आपके चलाने के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक है, और 12 वोल्टेज का चार्जर पॉइंट भी यहाँ पे दिया है, और रियर का एसी भी दिया है, यहाँ पे दोनों साइड से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर अभी स्टॉक एड में गाड़ी खड़ी है, तो इसका पीडीआई वगैरह करने के लिए 6 किलोमीटर तक गाड़ी चली है। चली, ओके। हाँ, ना गाड़ी चली है। ये 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, डुअल वीवीटी और डुअल जेट वाला इंजन यहाँ पे। और यहाँ से हम वाइपर का पानी भर सकते हैं, यहाँ से कितने दिन चेंज करना रहता है वाइपर पानी? यहाँ पे लेवल रहता है, वो देख के हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ कंपनी ने जो बैटरी दिया है ओनर मैनुअल में रहता है कि बैटरी कौन सी कंपनी का है, उसका भी वारंटी में रहता है। और यहाँ से हम कूलन डाल सकते हैं गाड़ी में, और सेमी कंडक्टर है क्या? हाँ, ये पूरा सेमी कंडक्टर है, और एक्स्ट्रा फ्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं।
अगर कोई फ्यूज जाता है तो यहाँ से हम ये फ्यूज निकाल के इधर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करने की जरूरत नहीं, सर्विस वाले वो करके देंगे। अपने को कौन समझ में आए कौन सा खराब है। जल्दी तो खराब नहीं होता। नहीं 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 होता, अगर होता है भाई दुआ पे दिया हुआ है। और के सीरीज का इंजन रहता है तो एल्यूमिनियम का इंजन रहता है, तो जितना जल्दी ये गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। ये फोर सिलेंडर है ना? हाँ, ये जो है पूरा एल्यूमिनियम का है। इसमें BHP पावर और ठीक है, पीछे कंपा देखते हैं। क्वेश्चन के बाद कुछ ऐसा लेग स्पेस तो भरपूर होने के वजह से है ना, आपको लेग रूम और हेड रूम दोनों से दोनों अच्छे से मिलता नहीं, है। हेड रूम भी अच्छा है मेरे 5'8" है। जो मैंने सीट एडजस्ट किया था वो उतरते समय थोड़ा मैंने पीछे किया हुआ है, लेकिन जब ड्राइवर सीट एडजस्ट होता है तो और भी लेग रूम अच्छा तरह से मिल यहाँ पे एसी वेंटिलेटर है ना? हाँ, रियर वाला एसी यहाँ से एयर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 378 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे ही नीचे आपको स्टेपनी दी होती है और जैक भी यहाँ पे रहता है अंदर एसी के। शिफ्ट डिजायर और यहाँ पे जो है 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं जो कि 4 फुट से आपको इंडिकेट करते हैं। डिजायर का ये प्रीमियम लोगो है।